देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है, वो अपनी सोच रखते हैं। हम कांग्रेस के साथ अकाली दल कभी सहमत हो ही नहीं सकती, मोटी बात ये। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैम, उन्होंने ये तो कहा कि नफरत फैलाते हैं हिंदू और ये। नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी में तो हर एक धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है। तो एक बात और, तो उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि हिंदू फैलाते हैं। वो कह रहे कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को डराएं या नफरत फैलाएं। ओवरऑल जो उन्होंने स्पीच दी, जैसे अग्निवीर की बात कही और फिर मणिपुर वाला मामला उठाया, कई सारे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात। देखिए, राहुल गांधी ने निट पे भी कहा, अग्निवीर पे भी कहा, मणिपुर का भी मुद्दा उठाया, हाउस के अंदर जो होता है उस पर भी राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी के ऊपर भी कहा। तो आप वहीं पे आप देखिए कि अनुराग ठाकुर ने बहुत सारी चीजों की चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने बार बार इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी जी को कहा जा रहा कि माफी मांगिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फरवरी 1977 से लेकर के जनवरी 1978 तक इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक तौर पे 3 बार माफी मांग चुकी है इमरजेंसी को लेकर के देश की जनता से। तो अब राहुल गांधी जी से क्यों उम्मीद लगा के रखें कि इमरजेंसी पे कोई माफी मांगे। अब उधर हाउस में हर एक मेंबर जो उनको ठीक लगता है वो बोलता है, उन्होंने को जो ठीक लगा वो बोले, उनको बधाई हो। लेकिन किसानों की बात भी उठाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो तो किसानों का मुद्दा तो हमेशा से आप लोग उठाते रहे। हाँ, बिल्कुल सही बात। उन्होंने किसानों के साथ जिस तरीके से 800 किसानों को इधर बॉर्डर में बैठा के रखा, और आज तक सरकार ने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि 800 किसानों की मौत हुई। वो लाखों किसान जो उधर बॉर्डर में बैठे रहे गर्मी में, धूप में, बरसात में, और उनको एक वादा करके उठाया गया कि आपको MSP एक लीगल गारंटी बनाई जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी, और आज तक भी वो उसी धरने में बैठे हुए हैं वही चीजें मंगवाने के लिए, और आज तक एक्नॉलेज तक नहीं किया कि 800 किसानों ने अपनी जान शहीद कर दी इस मांग के लिए। सो बिल्कुल किसानों को और हमारे पंजाब के किसानों को तो आतंकवादी, खालिस्तानी, बखवादी, ये जब भी हो तो ये सुनने को मिलता है, और परिजीवी तो बोला ही था प्रधानमंत्री जी ने। सो ये तो है कि किसानों के साथ जिस तरीके का ना तो डबल इनकम हुई है, और ऊपर से जो किसानों की अपनी जाने गई हैं वो मुद्दे भी आपने आज तक पूरे नहीं किए, और ना ही उनको एक्नॉलेज करके उनको कोई कॉम्पनसेशन दी है। सो किसानों के मुद्दे में तो मैं उनके साथ सहमत ही, हालांकि उनके और किसी बात से सहमत नहीं है क्या? उनकी अन्य बातें वो उनकी बात उठाई, कई सारी बातें उन्होंने उठाई। हाँ तो ठीक है, वो अपनी सोच रखते हैं। हम कांग्रेस के साथ अकाली दल कभी सहमत हो ही नहीं सकती। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है, ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर, हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया, और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से, कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते, तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर, मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंटआउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, और बेंच पे रख रख के और उनको उछाल उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन
सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर।